CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएंगे और आप भी अपने जीवनों में एक नई जिंदगी पाएंगे। यस दोस्तों, इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो हमारा फिजिकल हेल्थ ही नहीं, साथ ही साथ हम मेंटली भी स्ट्रांग हो। जी बिल्कुल, आपने राहुल कहा कि हमें मेंटली स्ट्रांग होना है। अक्सर हमारा जो मन है ना, ये एक युद्ध भूमि की तरह होता है। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं और हमारी जीवन की हार या जीत का फैसला हमारे मन में ही हो जाता है। बिल्कुल, और इस जंग में परमेश्वर चाहता है कि हम जीते, ताकि हम सही फैसले लें और अपने मन को पूरे मन से हम परमेश्वर को प्रेम करें। जी बिल्कुल, खासतौर से जब हम अलग अलग चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजरते हैं, जैसे कि जब एक दंपत्ति के पास औलाद का सुख नहीं होता, तब उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। कभी कभी लोगों से भी सुनना पड़ता है, अपने बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। ऐसे समय में वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। यस दोस्तों, ये आसान नहीं है। हम बेचैन हो सकते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हमें चिंता होने लगती है, सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, किस में खामी है। लेकिन इस सब को हटाकर हमारी नज़रें हमें परमेश्वर की ओर लगाना है। ये करना आसान नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है कि हम अपनी नज़रें परमेश्वर की ओर लगाएं। और ऐसा ही किया राम जी और उनकी पत्नी सूजन ने, जब वो भी ऐसे मुश्किल समय से गुजरे। और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, आज वो किस खुशी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए दोस्तों, इनकी बहुत ही इंकरेजिंग अद्भुत कहानी आज हम देखें। राम जी और सूजन की शादी 2011 में हुई और दोनों चाहते थे कि उनके जीवन में भी बच्चे के रूप में खुशियाँ आएं। हमारी शादी के एक साल के अंदर ही मैंने कंसीव कर लिया। उस समय मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने कंसीव कर लिया है, क्योंकि हम छुट्टी पर ऊटी गए थे और वहाँ से लौटने के बाद मैं बीमार पड़ गई। मुझे तेज बुखार था तो मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अचानक मेरा मिसकैरेज हो गया। हमें बहुत ही दुख हुआ था। सूजन दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 12 हफ्तों के रूटीन अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उनका फिर से मिसकैरेज हो गया था। अपने दूसरे मिसकैरेज के बाद मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। एक तरह का डर मुझे जकड़ने लगा था। बाइबल में एक वचन है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तो मन में एक सवाल आया, क्या मैंने अतीत में कुछ गलत किया है? मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। क्या मेरी पत्नी मेरी वजह से दुखी है? अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? अपने सपने को लेकर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें एक संतान जरूर देगा। मैं आमतौर पर हर साल की शुरुआत में प्रॉमिस कार्ड लेती हूँ। तब भी मैंने एक प्रॉमिस कार्ड उठाया और जिस पल मैंने उसे देखा, मैं उसे पढ़कर हैरान हो गई। लिखा था, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। फिर 2019 के आखिर में सूजन को अपने में कुछ शारीरिक बदलाव दिखने लगे और उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करने का फैसला किया। जब हमने उस टेस्ट को पॉजिटिव पाया, हम दोनों बहुत खुश हुए। हम भले ही खुश थे, लेकिन हमारे अंदर एक तरह का डर भी था, क्योंकि पहले मेरे दो मिसकैरेज हो चुके थे। सूजन ने मुझे फोन किया था। जब उनका फोन मुझे आया तो वो रो रही थी। मैं ये सोचकर थोड़ा डर गया था कि शायद इस बार भी हमें पहले की तरह ही हुआ है। जब मैं ऐसा सोच रहा था, तब उन्होंने मुझे रोते रोते बताया कि रिपोर्ट आई है और हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। वो मेरे लिए खुशी का पल था। उस समय मेरे आसपास कोई नहीं था,
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पत्नी से क्या कहूं। तब मैंने तुरंत ही परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, तू हमें इतनी दूर ले आया है, आगे भी हर बुरी बला से हमारी रक्षा करना। 18 जुलाई 2020 को सूजन ने स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पहली बार जब मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने बच्चे को उठाया और इस तरह मुझे दिखाकर कहा, बेबी बॉय। वो रो रहा था। उन्होंने फिर से कहा कि ये भी बेबी बॉय है। मैंने उसे देखा तो वो भी रो रहा था। जब वो दोनों बच्चों को तौलिए में लपेटकर मेरे पास लाए तो मुझे आज भी वो नजारा याद है। उनके मुंह से लार निकल रही थी, रोते हुए उनके छोटे छोटे होंठ हिल रहे थे। मैं इस बात को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आज रामजी और सूजन के पास दो स्वस्थ बेटे हैं, जो हर दिन उन्हें याद दिलाते हैं हमारे सच्चे और प्रेम करने वाले परमेश्वर के बारे में। कई ऐसे कपल हैं हमारे समाज में, कई ऐसे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीष होते हैं, और ये सच है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अपनी उम्मीद मत छोड़िए, परमेश्वर पर विश्वास करें और वो आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेगा। वाओ, व्हाट अ नाइस स्टोरी। और राहुल, मैंने एक बात जो सीखी और जाना कि जब हम ऐसे मुश्किल समय से गुजरते हैं हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेना चाहिए। सूजन ने भी जो प्रॉमिस उसे मिली थी उसे अपने साथ रख लिया और उसे वो क्लेम करती रही और उस वायदे को उसने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। वाकई में इट्स एन अमेजिंग स्टोरी रिबेका। ये हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो सिर्फ हमें आशीष ही नहीं देता, वो हमें दुगनी आशीष से नवाजता है। सो गॉड इज सच अ फेथफुल गॉड। जी, वेरी वेल सेड। परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देता है। बस हम निराश न हो, अपनी आशा हमेशा परमेश्वर पर बनाए रखें, भरोसा रखें। वो भला परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। यस दोस्तों, बहुत सारी जो मेंटल बातें होती हैं ये परसेप्शन की बातें होती है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को हम किस नज़रिए से देखते हैं। एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक पिताजी अपने बेटे के साथ टेरेस पर थे और बच्चा वो छोटा था, और फिर पिताजी ने उसे पॉइंट आउट करके बताया कि वो हवाई जहाज़ है। और उसने देखा, उसे लगा कोई पंछी के समान है। उसने कहा, नहीं, कई सारे लोग हैं जो उस हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। अब बच्चे को यकीन नहीं हुआ, उसने कहा, ये तो मुमकिन नहीं है, इतना छोटा सा तो है हवाई जहाज़। तो पिता ने उसे एयरपोर्ट ले गए और उसे हवाई जहाज़ दिखाया। वो हैरान हो गया कि कितना विशाल, कितना बड़ा, ऐसे बड़े बड़े पंख। और वो उसने कहा, पिताजी, मुझे तो वो इतना छोटा दिखाई दे रहा था जब वो ऊपर था। तब पिता ने उससे एक बात कही, गौर से सुनिए क्या कहा। पिता ने कहा, बेटा, तुम जिसके जितने करीब होते हो उतना ही तुम्हें एहसास होता है कि वो कितना सामर्थी है, वो कैसा है। दोस्तों, ऐसा ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। कभी कभी परमेश्वर हमको बहुत दूर दिखाई देता है, और अगर हम परमेश्वर को करीब से नहीं जाने तो परमेश्वर की क्षमता जो है वो हमें कम लगती है। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को देखते हैं और एक नई जिंदगी जैसे प्रोग्राम को देखते हैं, हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना विशाल है और वो हमारे साथ है। जब हम परमेश्वर को बड़ा देखते हैं, जैसे दाऊद ने परमेश्वर को बड़ा देखा, तब उसके सामने जो जंग में दुश्मन था, एक दानव था गोलियत नाम का, वो भी उसे बहुत छोटा नजर आया। दोस्तों, अगर हमें हमारे मन को जीतना है और मन की लड़ाई पे विजय पाना है तो हमारा नजरिया परमेश्वर को देखने का बहुत अलग होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को अलग नज़र से देखेंगे तब हम हालातों को अलग नज़र से देखेंगे। देखिए याकूब में क्या लिखा, एक खूबसूरत वचन है, उसका पहला हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जेम्स चैप्टर 4:8, याकूब का 4:8 वचन कहता है, परमेश्वर के पास आओ वह भी तुम्हारे पास आएगा। वाह, कितना सरल वचन है लेकिन कितना खरा वचन है दोस्तों। जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के करीब आने का मतलब है जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर से मजबूती पाते हैं, तब हम परमेश्वर को सही मायने में जानने लगते हैं। और जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं तब हमारी लड़ाई बिल्कुल अलग हो जाती है।
तभी हमें साहस मिलता है, हिम्मत मिलता है, विश्वास मिलता है कि हम अच्छी लड़ाई को लड़े और जीत सके। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, इस समय जीवन में अगर आप किसी लड़ाई में हैं तो क्या किस्म से आप मजबूती पाए हैं? कौन सा ऐसा वचन है जिसने आपको हौसला दिया है, जिसने आपको मुश्किल घड़ी में हिम्मत दिया है? हमें ज़रूर आप हमारे YouTube या Facebook कमेंट सेक्शन में बताएं। जी दोस्तों, ज़रूर शेयर करें ताकि हम भी इन वचनों से हौसला पाएं और हमारे बाकी दर्शक जो इन वचनों को पढ़ेंगे वो भी हौसला पाएं। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और प्रार्थना चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारी CBN प्रेयर लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहती है। आप हमें हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर कॉल करें, हम और आप मिलकर परमेश्वर के बल सामर्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब समय है छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे कोई शक में, और साथ ही साथ हम प्रार्थना भी करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। उत्सव का समय और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं, तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अपने मन के बारे में। हमने जाना है कि हमारा मन एक युद्ध भूमि की तरह है जहाँ पर बहुत सारे विचार आते हैं जाते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, और कई बार तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं जो हमें परेशान करते हैं। यस रुबेगा, और कभी कभी जब हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो वो एक गुत्थी के समान है। अगर हम सही समय पर गुत्थी सुलझा ना पाए तो फिर हम दुविधा में रहते हैं और फैसले नहीं ले पाते, जो फिर हमारे स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। तो ये ज़रूरी है कि हम सही सवालों का सही जवाब हम पाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको भी परेशान करते हैं, और जब आप इन सवालों को हमसे पूछते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम परमेश्वर के वचन से इन सवालों के जवाब दें। तो आप समझ गए होंगे कि अब समय है कोई शक का। आइए देखिए क्या क्या सवाल आपने हमसे पूछे हैं। और आज का पहला सवाल है नितिन का, ये पूछ रहे हैं, मुझे रिलेशनशिप में कमिटमेंट या शादी के बंधन में आने से कई बातें रोकती हैं, मुझे कमिटमेंट देने में डर लगता है, इसे मैं कैसे हैंडल करूं? हाय नितिन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। काफ़ी लोग हैं जो कमिटमेंट फोबिक होते हैं, यानी कि वो फट से कमिटमेंट में नहीं जाते। वो एक तरीके से अच्छी बात भी है कि आप हर चीज़ में कमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इनफैक्ट बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर एक कवेनेंट का परमेश्वर है। इसका मतलब है परमेश्वर वचनबद्ध है, कमिटेड है हमारे प्रति। परमेश्वर ने अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ वचन बांधी और वाचा बांधी, चाहे वो नूह है, मूसा है, दाऊद है, और फिर यीशु मसीह में जिसको हम न्यू कवेनेंट कहते हैं, ये भी एक कमिटमेंट की बात है। अगर आप कमिटमेंट फोबिक हैं तो इसकी काफ़ी वजह हो सकते हैं। शायद आपने ब्रेक रिलेशनशिप को मजबूत तरीके से नहीं देखा है, और वो एक कारण हो सकता है कि आप वो गलती नहीं दोहराना चाहते और इसलिए आप अपने आप को कमिट नहीं कर रहे हैं। हम आपको प्रोत्साहित करेंगे नितिन कि आप हमें 9910401010 पर कॉल करें और हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं
प्रेयर और काउंसलिंग से आप इस फोबिया पर जीत पा सकते हैं. सो वी रिकमेंड यू कॉल अस एंड वी कैन हेल्प यू. जी बिल्कुल नितिन, डू कॉल अस एंड वी विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल. आइए देखिए एक और सवाल जो हमसे पूछ रही हैं पूजा, और इनका सवाल है, क्या जरूरत के समय वैलिड रीजंस के लिए लोन लेना सही है या नहीं? पूजा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट काफ़ी मसीह लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम लोन ले. अब दो वर्ड हैं, लोन और डेट. ठीक है, बाइबल हमको फोबिड करता है डेट में हम ना गिरे, और कोई डेट रहे नहीं, यानी कि कोई कर्ज रहे नहीं. लेकिन लोन, जिसको एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, ऋण, ऋण चुकाना. और काफ़ी लोग लोन लेते हैं और उनके पास ऐसे प्लानिंग होता है और कंटिजेंसी होता है कि बैंक आपको तभी लोन देगा तब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर पाएंगे कि आप इस लोन को चुका पाएंगे. कुछ चीज़ें हैं जो हमें सावधानी बरतनी है. कुछ लोग इतना हैबिचुअल हो जाते हैं लोन लेने में, क्योंकि आज बड़े आसानी से लोन मिलता है. लेकिन हमें याद रखना है कि जितनी आसानी से मिलता है उतना आसान नहीं होता चुकाना. तो आप थोड़ा सावधानी बरते. फिर से मैं आपको इनकरेज करूंगा पूजा कि आप थोड़ा काउंसिल सीख करें और विजडम के साथ अपने फैसले ले. तो लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन विजडम है इसमें कि आप कितना ले, कितनी टर्म के लिए ले, और आपके पास क्या प्लान है कि आप इस लोन को कैसे चुकाने वाले हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों में आप ध्यान दें, और हमारी ये भी प्रार्थना होगी कि परमेश्वर आपको सही अगुवाई करे. जी बिल्कुल पूजा, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप परमेश्वर की अगुवाई में सही डिसीशंस ले सकें. और दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें अपने तक सीमित ना रखें, हमारे साथ शेयर करें. और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जा सकते हैं और वहाँ अपने सवालों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं रेबेका, दैट इज द बैटल ऑफ द माइंड. जो मन में होता है युद्ध, इसको जीतने के लिए. लेकिन एक चीज है जो हमारा सबसे सामर्थी हथियार है, वो है प्रार्थना, परमेश्वर पर निर्भर होना. तो आइए दोस्तों, हम अपने मनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें जय दिलाएगा. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू विजय का परमेश्वर है. प्रभु, तेरे क्रूस का कार्य एक अंतिम कार्य है, जो समाप्त कार्य हुआ है. तूने कहा इट इज़ फिनिश्ड, खत्म हुआ है प्रभु. और एक तरीके से प्रभु, जब हम क्रूस के कार्य पर विश्वास करते हैं और तुझ पर हमारा भरोसा जताते हैं, तब हम जयवंत से बढ़कर कहलाते हैं प्रभु. ऐसा पद तूने हमें दिया है कि हम जयवंत लोग हैं, मोर देन कॉन्करर्स हैं प्रभु. हमारी प्रार्थना है सारे प्रिय दर्शकों के लिए कि वो इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करे, वो इस सच्चाई को अपनाए और एक जयवंत जीवन जिए प्रभु, क्योंकि तूने हमारे लिए वो कर दिया है. तू हमारे साथ है, और अगर तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है. धन्यवाद प्रभु कि तेरे साथ के साथ हम चलते रहें और तेरी नाम को महिमा लाते रहे और हर जंग को हम जीते. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. दोस्तों याद रखें, जंग चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, परमेश्वर हमारे साथ है और वो ज़रूर हमें हर मानसिक युद्ध में जीत दिलाएगा. जी बिल्कुल. और आइए दोस्तों देखिए कि आज परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन हमें क्या कहना चाहता है. कितना खूबसूरत वचन है रेबेका, जो कहता है कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है. दोस्तों ये वचन कहता है देखो, हमें आँख खोलकर देखना है, जानना है, भापना है कि परमेश्वर हमारे बीच क्या कुछ नया कर रहा है. पुरानी बातों को भूल जाना है और नए सिरे से आगे बढ़ना है. जी, परमेश्वर हमारी मदद करे ऐसा करने में.
और दोस्तों अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम आप सबको बे ऑफ बंगाल के पास घोरामारा आइलैंड में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे सुपर बुक छोटे छोटे बच्चों के जीवन में बदलाव ला रहा है। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। हे सुपर बुक फैंस, अब आप YouTube पर सुपर बुक वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुपर बुक इंडिया यूट्यूब चैनल, जहां आप सुपर बुक सीजन 1 और सीजन 2 के फुल एपिसोड्स, संडे स्कूल लेसन्स, सुपर बुक क्विज और कई रोमांचक वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे पेरेंट्स, आज ही सब्सक्राइब कीजिए सुपर बुक इंडिया यूट्यूब चैनल बाइबल बेस्ड कंटेंट के लिए, जो कि एंटरटेनिंग और एजुकेशनल है। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारे मन में कई तूफान उठते हैं और इन तूफानों के बीच में हम सही डिसीशंस ले सकें, अपने मेंटल स्वास्थ्य को सही रख सकें, इसके बारे में हम आज मदद पा रहे हैं। यस रिबेका, कभी कभी तो बड़ों की बात तो है ही, लेकिन बच्चे इस तूफान का सामना कैसे करें? जी राहुल, इनफैक्ट मई के महीने में बे ऑफ बंगाल में यास साइक्लोन आया था और इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। इससे बड़ों और बच्चों दोनों के मन पर बहुत बुरा असर हुआ, और इसीलिए हमारी जो सुपर बुक टीम है वो घोरामारा आइलैंड पहुंची ताकि बच्चों को इंकरेज कर सके, उन्हें सांत्वना दे सके, सही दिशा दिखा सके। आइए दोस्तों देखें कि इन बच्चों ने जब सुपर बुक सीरीज को देखा तो इनके मन पर क्या प्रभाव हुआ। पूर्वी भारत की बे ऑफ बंगाल में यास साइक्लोन ने मई में तबाही मचाई, जहां इस दौरान भारत सरकार ने इवैक्यूएशन का काम बड़े पैमाने पर किया। इसी बीच मछुआरों की कम्युनिटी ने अपने घर पर ही रहने का फैसला किया। साइक्लोन ने घरों और खेतों को तहस नहस कर दिया, पानी भी पीने लायक नहीं रहा और मछली पकड़ने वाली नाव भी बुरी तरह से टूट गई थी। जब ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया राहत और बचाव के काम में लगा हुआ था, वहीं सुपर बुक की टीम बच्चों के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए इन दूर के आइलैंड्स पर पहुंची। इनमें से कई बच्चों ने ये नेचुरल डिजास्टर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা বন্যা বা ঝড় থেকে কিছু হলে ভয় পাবো না, এবং ঈশ্বর সব সময় কোনো বিপদ এলে আমাদের সঙ্গে থাকবে। সব থেকে ভালো লাগলো আমার যে সমুদ্রে ঝড় এসেছিল এবং যিশু বাঁচিয়েছে, ক্রিস এবং জয় তাদেরকে বাঁচিয়েছে। যিশু যে সে সমুদ্রে যে ইয়ে করতে হলো, ঝড়ে শান্ত করে দিতে হলো, সেইটা ভালো লেগেছে। সুপার বুক আমার খুব ভালো লেগেছে। सुपर बुक ने बच्चों को सिखाया कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता भी होता है। ये मजबूत और साहसी होने का एक कारण है। बच्चों ने ये जल्द ही समझा कि जिंदगी के सबसे बुरे तूफानों में भी वो अकेले नहीं थे। यीशु है ना, वही सबको सुरक्षा रखता है। मैं जब खतरा में पड़ूंगा तब वो मुझे बचा लेगा। समझा चाहता हूँ मैं यीशु को, बहुत पसंद करता हूँ। যেইটা যে আমি শিখেছি আজকে ওটা হচ্ছে ওই প্রভু যিশুর যে লৌকিক যে কার্যকরটা আছে, সেটা যে মানুষদের যে অন্য যে পাশের গ্রামের মানুষ আছে ওরা যিশুকে বিশ্বাস করে না ঠিকই, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে যিশু তাদেরকেই সব বিপদ থেকে রক্ষা করে। যিশু যখন অসুস্থ লোককে সুস্থ করেছিল সেটাও আমার ভালো লেগেছে। সুভাষ জেসে লোগোঁ কে লিয়ে জো বচ্চোঁ কো শিক্ষিত করনে অর উনকে ক্যারেক্টার কো বনায়ে রাখনে কে লিয়ে আপনা টাইম ইনভেস্ট কর রহে হ্যায়, ইয়ে ইভেন্ট পেন্ডেমিক অর সাইক্লোন কে বাবজুদ ফির एक नई शुरुआत का कारण बना।
प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो सुपर बुक का जो आइडिया है ये बहुत अच्छा आइडिया है, जिसके द्वारा बच्चे लोग एक साथ आया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके इन्होंने बैठा, और ये जो सुपर बुक का जो सुपर स्टोरी है ये खुद उन्होंने देखा, और अपने आँखों के द्वारा देखने के वजह से इनका विश्वास और उनको बहुत अच्छा लगा। That was so encouraging, राहुल। हमने देखा कि बच्चों ने जाना कि हर संकट में से प्रभु यीशु मसीह उन्हें बाहर निकाल ले आएंगे, और बच्चे कह रहे थे कि जो भी तूफान उठते हैं उन्हें भी परमेश्वर शांत कर देते हैं। दोस्तों हमने जाना कि हमारे मन में भी जो तूफान उठते हैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह शांत कर देते हैं। वाकई में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों पर ऐसा सकारात्मक प्रभाव हो परमेश्वर के वचन का और जो शास्त्र की कहानियां हैं, तो आप भी हमारे सुपरबुक फेसबुक पेज पर जाएं और अपने बच्चों को लॉगिन कराएं, और साथ ही साथ सुपरबुक ऐप को आप अपने बच्चों के या आपके मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके बच्चे भी ऐसे प्रोत्साहन भरी बातें सीख सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, सुपरबुक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिससे हमारे बच्चे और हम भी परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकते हैं। यस दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं, आप सीखे हैं कैसे मन के युद्ध को लड़ना है और जीतना है। राम जी और उनकी पत्नी की कहानी को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर में आशा जब हम बनाए रखते हैं वो हमें ज़रूर जीत दिलाता है। जी बिल्कुल, और हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना आए, हम परमेश्वर की उपासना करें, हम परमेश्वर का नाम भजें, क्योंकि परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। और यही गीत हम आपके लेकर आए हैं, जो गा रहे हैं सेंट जॉन्स चर्च इन द विल्डरनेस की कॉयर, और ये गीत है भजता क्यों नहीं रे मन मुराख। इस गीत को आप सुने, इससे आशीष पाएं। हम लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।